और अब जान लीजिए किसान आंदोलन पर अपडेट, जिसका आज है 82वां दिन। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर में किसान संगठन लगातार आंदोलन जारी किए हुए हैं। आंदोलन की सफलता और असफलता के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने इन बॉर्डर्स के करीब रहने वाले आम लोगों की समस्या को जाना? क्या किसी ने इन आम लोगों की परेशानी को समझा? एबीपी न्यूज ने समझा। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। देश की राजधानी में हरियाणा और यूपी से आने वालों के लिए सीधा और आम रास्ता बंद है, लेकिन सवाल आखिर कब तक? आखिर कब तक दिल्ली के बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सिंघू गांव पहुंची। सिंघू गांव उस बॉर्डर के करीब बसा है जो पिछले 2.5 महीने से आंदोलन का मुख्यालय है, जहां किसान आंदोलन की दिशा दशा तय होती है, भविष्य के प्लान और रूपरेखा तैयार होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने सिंघू गांव के युवाओं से बात की। ये है मनोज सिंह। इस युवा की परेशानी सुनिए। मनोज जो बोल रहे हैं वो इस हाईवे से सटे गांव के हर शख्स की समस्या है। मुश्किल ही है, आने जाने की समस्या है। कोई चीज खरीदारी करने के लिए हमें पहले 5 मिनट का सफर रहता था, अभी 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। आने जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि नहीं, यहाँ जाए कि नहीं जाए वहाँ पे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका ने साथ ही युवाओं से भी बात की। उन्होंने जो कहा वो हर किसी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस सिंघू बॉर्डर में आंदोलन की सफलता की बात कही जा रही है, जो आंदोलन करीब 2.5 महीने से चल रहा है, उसके करीब रह रहे लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटा के आसपास हम लोग पैदल चल रहे हैं, यानी कि पहली बैरिकेड से। जो पहली बैरिकेड है अभी कुछ दिन हुए हैं उसको लगे हुए, उसके अलावा क्या आपको दिक्कत पहले पेश आती थी? पहले नहीं आती थी, अपना 26 जनवरी के बाद से सब ज़्यादा समस्या आ रही है। अब तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जहाँ हम लोग 10 मिनट में चले जाते थे पैदल भी, लेकिन अब वो ऑटो भी नहीं मिल रहा, ना ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था है, पैदल ही चलना पड़ रहा है हर जगह। पुलिस की व्यवस्था और किसान आंदोलन की वजह से किसान और सरकार के बीच बातचीत ठप पड़ी है। दोनों तरफ से बार बार कई बार कहा जा रहा है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन वार्ता के लिए कोई पहले हाथ आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। लेकिन आंदोलन के बीच आई ये तस्वीरें भी कई सवाल खड़े करती हैं। क्या आम लोगों की परेशानी की सुध लेने वाला कोई नहीं है? कब खुलेंगे बॉर्डर, इसका जवाब वाकई किसी के पास नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों के सबसे बड़े नेताओं या कहिए सबसे बड़े चेहरों में से एक राकेश टिकैत की माने तो किसान आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ है। लगातार आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कह रहे टिकैत ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। 26 जनवरी की हिंसा की ये तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, आंखों पर नमी छा जाती है। कैसे तिरंगे का अपमान हुआ था, दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा था। किसान आंदोलन पर भी इसकी आंच आई। लाल किला हिंसा के बाद किसान नेताओं को भी आंदोलन खत्म होने का डर सता रहा था। इसका खुलासा किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत ने किया है। टिकैत ने क्या कहा वो सुनिए। कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। ये तो ऊपर ले वाले की मेहरबानी मान लो कि लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उसी उससे फिर उठ गए। आंदोलन के पुनर्जन्म की बात कर रहे टिकैत ने इस मुद्दे को सिख अस्मिता से जोड़ दिया है कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा के और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसी नफरत फैला दी थी कि भाई ये सरदार तो बहुत खराब कौम है, और उसके साथ में कह लगे ये किसान भी खराब है, कह लगे तो देश का गद्दारी है ये सारे के सारे, सीधा पगड़ी पे हमला करा था। हरियाणा के करनाल में टिकैत ने सरकार को लेकर भी अपनी बात रखी। टिकैत ने कहा कि उनकी तरफ से कानून वापसी का नारा तो लगा, गद्दी वापसी का नहीं। जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने। हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो।
हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकारों से बात करते हैं पॉलिसी पे। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। वैसे आपको याद दिला दे कि ये वही टिकैत है जिनके आंसुओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को नई दिशा दे दी। पश्चिमी यूपी से आने वाले टिकैत अब हरियाणा में लगातार महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही, आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? कब सरकार और किसान फिर से एक मंच पर बैठेंगे और संवाद के जरिए इस समस्या का समाधान करेंगे? ABP News आपको रखे आगे।